अज्ञात कारणों के चलते अमृत सरोवर तालाब की मछलियों सहित अन्य जीव जंतुओं की हुई मौत से फैली दुर्गंध। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से एक अचंभित करने वाला मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसके अंतर्गत अमृत सरोवर की सारी मछलियां और अन्य जीव आदि की मृत्यु हो गई। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बंथरी से है, जहां पर शुक्रवार 14 जुलाई को यह जानकारी मिली कि यहां के यमरेही नाथ के अमृत सरोवर के सभी जलीय जीवों की मृत्यु हो गई। हालांकि इस बारे में कोई ठोस जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वही सूचना पर पहुंचकर ग्राम प्रधान एवं बबेरू उपजिलाधिकारी ने मौका मुआयना किया तथा जानकारी ली। उपजिलाधिकारी ने बताया कि आज सुबह तालाब की मछलियों के अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाने की जानकारी हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने यहां आकर यहां का हाल देखा, जिसमें तालाब की सभी मछलियां तथा अन्य जीव मृत पाए गए। आगे बताया गया कि सभी मृत मछलियों आदि को निकालकर एक जगह पर दफना दिया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि रोज ही यहां पर श्रद्धालु लोग आते जाते रहते हैं और जानकारी मिली है कि कल शाम को यहां एक चार पहिया वाहन में कोई आए थे, जिन्होंने तालाब में कुछ डाला था, लेकिन हमें पता नहीं कि उनके द्वारा पूजा की कोई सामग्री डाली गई थी या अन्य कुछ डाला गया था। आपको बता दें कि लोगों द्वारा उसी चार पहिया में आए लोग के ऊपर शंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है, जिसका खुलासा इसकी जाँच के पश्चात ही होगा। मौके पर उपजिलाधिकारी ने तालाब के पानी की जांच करने के बारे में भी बताया, जिससे पता चल सकेगा कि कैसा पदार्थ तालाब में डाला गया था। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। में जो तालाब बना वहां पर मछलियां मरी हैं, क्या मामला है? आज सुबह टाइम जब सूचना मिली कुछ लोगों द्वारा, जब तुरंत जानकारी दी गई कि मतलब यहाँ मछलियाँ पूरी मरी पड़ी हैं और ऊपर आ गई हैं, उसमें जानकारी ली गई तो कल शाम के टाइम करीब 7:15 बजे की जानकारी मिल पा रही, एक कोई गाड़ी आई थी चार पहिया जो यहाँ पे बीचों बीच खड़ी हुई, और खड़ी होकर के पता नहीं कि उन्होंने पूजा का सामान डाला या मतलब किस तरह का सामान डाला है, और डाल करके न उन्होंने दर्शन भी नहीं किया, इसके बाद वापसी चले गए। लेकिन अब हमेशा से सब लोग आते रहे, दर्शन करते रहे और जो पूजा की सामग्री होती थी यही डाल जाते थे, तो आज तक कोई ये देखा नहीं कि मतलब क्या है, जब ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। और आज जब ऐसी घटना घटित हुई तो ये समझ में आ रहा है कि क्या वही लोगों ने ऐसा किया है या कोई दूसरा किया है या फिर और कोई कारण। प्रधान जी, मौके में किसी अधिकारी को जानकारी दी आपने? जी, SDM साहब को दी, BDO साहब को दी। अच्छा, यहाँ मौके पर आए हुए हैं? जी जी, सब आए हुए हैं। अच्छा, तो अब इनको निकालने क्या उपाय किया जा रहा है? देखिए, उपाय बुलवा रहे हैं निकालने वाले, निकालने वालों से निकलवा करके कहीं गड्ढा खुदवा करके दफनाया जाएगा। प्रधान जी, कौन सा स्थान है ये? यमरेही नाथ है, ग्राम पंचायत बंथरी है, ग्राम पंचायत बंथरी में ही यमरेही नाथ का ये स्थान। प्रधान जी, आपका नाम? सोमनाथ शुक्ला। ठीक। यमरेही नाथ में तालाब में कोई पॉइजन जैसा चीज पड़ी है, मछलियों की मौत हो गई, क्या मामला है? देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यमरेही नाथ तालाब में काफी संख्या मछलियां मरी हुई, जिसके संबंध में BO साहब और हम लोग आए हैं, जिसमें जाँच पाया गया है। मौके पर तो काफ़ी संख्या में मछलियाँ मर गई हैं, वर्तमान में इनको निकलवा के दफनाया जाएगा और साथ ही पानी वगैरह की जांच करा के ये जांच की जाएगी कि इसका क्या कारण रहा है।